मो सरकार मालिक को केबे मिलिबो न्याय दुर्व्यवहार शिकार होइथिबा सुस्मिता महंती न्याय पाई राति तमाम डेलांग तहसील कार्यालय सम्मुखरे धारणा रे बसिथिले। गतकाली थारु धारणा रे बसिथिले सुधा ए पर्यंत प्रशासन अधिकारी पहुंचि नथिबा अभिजोग करिछन्ती सुस्मिता। गत मार्च मास 4 तारिख दिन डेलांग तहसीलदार निवेदिता पैडा तहसील कार्यालय भितरे जेनापुर ग्रामर सुस्मिता महंती को दुर्व्यवहार करिथवार वीडियो वायरल होइथिला। एने पूरी जिलापाल तदंत निर्देश देथिले किंतु निर्देश देबार 24 घंटा परे भी कोनोसी अधिकारी सुस्मितांक सह आलोचना करिनाहते। परे चारि तथा दाबीरे अनिर्दिष्ट कालरे धारणारे बसिछंती सुस्मिता महंती। तहसीलदार निवेदिता पैडाकु तुरंत निलंबित कराजाउ एवं सुस्मितांक जमिजमा बिवादर समाधान कराजिबाकु नै दाबी नै राति तमाम तहसील कार्यालय सम्मुखरे मशारी टांगी थानारे बसिछंती सुस्मिता। ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि कालचरण साहू आम सहित फोनलाइन जोगे जोड़ी। कालचरण, सुस्मिता को न्याय केबे तहसीलदार निलंबन दाबी करा जाउछि, एपटे तांको जो जमिजमा बिवाद को नहीं एभली दुर्व्यवहार शिकार होगाक पड़ा, एभली असभ्य भाषा गाळीगुलज करागला, जे प्रकृत में न्याय केबे राति तमाम से मशारी टाणी सेठे प्रतिभा जनाउछन्ति कि प्रशासनिक अधिकारी आसिले आलोचना कले सुस्मिता सहित। निश्चित भाव में निवेदिता ये प्रश्न उठुचे वास्तव में क्या साहस एत बहप देखा डेलांग तहसीलदार निवेदिता पैडा, कारण जिते जदि चित्रटे देखा जो भिडटी अलगस बारंबार खबर प्रसारण होने गणमाम प्रसारित होती से भिडटी हो मार्च मस 4 तारिखर 4 तारिख मध्यान समय निवेदिता पैडा पाखक जेनापुर अंचल सुस्मिता महांती पहुंची एक जमिजमा बिवाद जेहतु समाधान होना दीर्घ 2 वर्ष धरी से आत्माहुति देवाई अप्रैल मस 4 तारिख आत्माहुति एक दावी पत्र पहुंचे किंतु निवेदिता पैडा अभियोग न शुणी अतर्कित भाव असभ्य भाषा कहीकि दुर्व्यवहार करते गेट आउट नॉनसेंस इडियट बोली तू ता व्यवहार करते जो थे कि पूरा संपूर्ण मर्माहत भांगी पड़ते सुस्मिता महांती एवं से दीर्घ 2 दिन पर गत काली से आसी तहसील सामने धारणा देते गत काली दिन 10 धारणा देते सुधा राति तमाम मसूरी टांगी तहसील कार्यालय सम्मुख धारणा देते किंतु निवेदिता पैडा से ही तहसील कार्यालय भितर रही थे किंतु जदि साहस जदिबा टिके मनरे सहानुभूति थांता किबा जदि भी भूल करिसंती तबे आसीके आलोचना करि पाइ थांते संपुक्त महिला जो सुस्मिता महांती सहित किंतु मैडम कार्यालय भितर कार्य कले अपर पक्ष गेट सामने तहसील कार्यालय सम्मुखरे मध्य सुस्मिता महांती राति तमाम धारणा बसिले एवं ए नै कि मध्य सुस्मिता एक कथा कहउछन वास्तव जदि जिलापाल घटना 2 दिन पर जिलापाल कले तदंत करा जीव कार्यान्वयन निया जीव उभय पक्ष आलोचना करा जीव तबे प्रतिक्रिया दबार गणमाध्यम प्रतिक्रिया दबार जिलापाल पाखापाखि 24 घंटा बीतिगला किंतु वर्तमान सुधा भी निवेदिता पैडा किंवा सुस्मिता महांती सहित कौन आलोचना कला ना प्रशासन ए अभियोग सुस्मिता महांती आणुच्च गत काली आम चित्र देखते जो सीपीआईएमएल पक्ष विक्षोभ कर बदली दाबी कर निलंबित दाबी कर एक बारंबार बिवाद बढ़ुची डेलांग तहसीलदार निवेदिता पैडा बिवाद बढ़ुची किंतु एठ स्पष्ट होती वास्तव में जो सरकार पक्ष राज्य सरकार पक्ष मो सरकार लागू होती जो मो सरकार मालिक कहा जाऊँगी मालिक होती कहुई पार सुस्मिता महांती आज दुर्व्यवहार करेलांग तहसीलदार एक घटना घटना क्योंकि डेलांगवासी ग्रहण करना एक जिलापाल ग्रहण कले ना साधारण लोकटी सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी एपरिक आवश्यक रही कि जो भी भाव में व्यवहार करवा दरकार सुव्यवहार करवा दरकार कि जिलापाल कहले क्यों क्यों निंदनीय कथा कितु जदि निंदा कले जिलापाल तेज कहीं आज पर्यंत कार्यानुषान होना यह गोटे जिलापाल निंदा करुषान होड़म्बनार विषय कि नई थी पारे जो कथा आपण कहते मो सरकार मालिक अर्थात साधारण जनता सुस्मिता महांती होती मो सरकार मालिक किंतु ताकू न्याय केबे कहीं राति तमाम से मशारी टाणी तहसील ऑफिस आगे धारणा दौंती किंतु कौन प्रकार कौन प्रशासनिक अधिकारी कथा शुणुना जिलापाल केवल निंदा कर चुबसी गले हमी केमती न्याय मिले से दृष्टि देवार बर्तमान समय आवश्यकता रही। बहुत बहुत धन्यवाद कालचरण साहू ब्रह्मगिरी प्रतिनिधि ए बाबद आमको सूचना देते।